एंड ये बहुत अजीब सा ही बंदा लग रहा है यार, ये बहुत अजीब तरीके से चल रहा है गाइस। उसने अपनी वाइफ का यानी अपनी बीवी का जो गला कहते हैं रेत कर उसका धड़ से अलग कर दिया गला, मतलब उसको जान से मारना लगा। यार कसम से बता रहा हूँ, डर लग रहा है, हिम्मत जवाब नहीं दे रही आगे जाने की। दिल कर रहा है कि यहीं से गाड़ी वापस मोड़ लूँ एंड यहाँ से फटाफट निकल जाऊँ। पता नहीं क्या चीज़ है यार, ये अजीब सी एक वाइट सी चीज़ दिख रही है। आज भी इन सड़कों पर ऐसे नजर आती है जैसे बिना सर की और कोई ये आवाज़। ये देखो ये देखो देखो ये आवाज़ पता नहीं सुनाई दे रही है। रोते हुए खुद अपनी वाइफ का जो सर है ऐसे हाथों में पकड़ कर इन रोडों पर घूम रहा था। एंड नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अमित हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई हॉन्टेड लोकेशन, एक हॉन्टेड रोड पर। यहाँ से पास में ही लगता एक गांव है और यहाँ की कहानी जो है एक हस्बैंड और वाइफ के बीच की है। और हुआ कुछ इस तरह का था कि जिस तरीके से मेरे को गाँव वालों के थ्रू पता चला या जो भी लोगों से मैंने पूछताछ करी उन लोगों ने जैसे बताया, तो पता यह चला कि हस्बैंड वाइफ थे, नई नई शादी हुई थी उनकी। एंड होता है ना कि नई नई शादी होने के बाद एक दूसरे पे विश्वास काफ़ी ज़्यादा होना, एक दूसरे पे भरोसा रखना, एंड वो चीज़ था। लेकिन हुआ कुछ इस तरीके की जो उसकी वाइफ थी शायद वो अपने हस्बैंड को चीट कर रही थी एंड उसका किसी और लड़के के साथ अफेयर था जो उसको शादी से पहले पता नहीं था। शादी के बाद उसको ये बात पता चली, शायद उसने फ़ोन वगैरह पे उसके मैसेजेस वगैरह या कुछ ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह ऐसे देख ली थी। और ये बात कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है, तकरीबन साल या दो साल पुरानी होगी ये बात। तो कहते हैं कि जब उसके हस्बैंड को ये बात पता चली कि वो जो औरत है अपने हस्बैंड को यानी उसको चीट कर रही है, उसको धोखा दे रही है, तो उसने एक रात ऐसा किया कि वो काफ़ी ज़्यादा नशे में होकर उसने अपनी वाइफ का यानी अपनी बीवी का जो गला कहते हैं रेत कर उसका धड़ से अलग कर दिया गला, मतलब उसको जान से मार डाला, उसका गला काट दिया, पूरी तरह से अलग कर दिया। एंड कहते हैं कि फिर रात में वो ऐसे रोते हुए खुद अपनी वाइफ का जो सर है ऐसे हाथों में पकड़कर इन रोडों पर घूम रहा था। एंड घूमते घूमते अचानक से वो किसी गाड़ी के सामने आ गया एंड उसने भी खुद वहाँ पर आत्महत्या कर दी। ऐसा गाँव वालों के मुताबिक पता चला। और कहते हैं एक अजीब सी आवाज़ आई है, एक गाड़ी का साउंड है जो कि काफ़ी दूर से है, लेकिन यहाँ पर एक अजीब सी आवाज़ आई थी। टाइम की बात करूँ तो रात के तकरीबन 12:25 का टाइम हो रहा है। और कहते हैं कि वो जो औरत है वो आज भी इन सड़कों पर ऐसे नज़र आती है जैसे बिना सर की औरत। सिर्फ उसका धड़, ऐसे लोगों ने बोला है कि कई बार वो ऐसे देखने को मिली बिना धड़ की औरत ऐसे रोडों पर घूमती हुई। भाई इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है या कितना अफवाह है ये तो खैर बाद में पता चलेगा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि रात में वो औरत यहाँ पर नज़र आती है जिसका कहते हैं कि सर ही नहीं है। देखेंगे जब इस रोड पर आगे चलेंगे घूमेंगे कि क्या होता है, क्या वो सच में ऐसी चीज़ है या फिर ये गाँव वालों के थ्रू बनाई हुई एक मनगढ़ंत सिर्फ एक कहानी है। भाई सबसे पहली बात तो डर लग रहा है क्योंकि ऐसे सुनसान सड़क पर जो मैं हर बार बोलता हूँ एक छीना झपटी करने वाले चैन लुटेरे चैन स्नेचर छीना झपटी करने वाले ऐसे लोगों का खतरा होता है, वो चीज़ है। और साथ में जिसके बारे में बताया जाता है उसका तो रिस्क है ही। और एक जब से मैं खड़ा हूँ ना बहुत एक अजीब सी आवाज़ आ रही है, आई डोंट नो क्लियर नहीं है वो आवाज़, बहुत हल्की सी आवाज़ आ रही है। एंड अभी नहीं है वो आवाज़, लेकिन बहुत एक हल्की सी आवाज़ बीच में भी आ रही थी एंड वो अभी शांत है। तो भाई जिन भाइयों ने जिन बहनों ने अभी तक मेरे चैनल को यहाँ तक देख लिया तो पहले तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। और चलते हैं रोड पर आगे की तरफ में, देखते हैं कि क्या ये कहानी सच है जो गाँव वालों ने बताई, क्या वो औरत जो है वो हमें नज़र आती है नहीं आती है या कुछ भी ऐसी चीज़ हम फील कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। एंड अगर ऐसा कुछ भी हमको दिखता है महसूस होता है कोशिश
कोशिश करेंगे इसको देखने की, बात करने की, क्या होता है आई डोंट नो, बट डर लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, देखते हैं क्या होता है। चलते हैं रोड पर आगे की तरफ में। तो भाई ये सड़क आप लोगों को दिख रही होगी सामने की तरफ में, एंड मैं यहीं पर अभी खड़ा हो गया बाहर, इंट्रो ले रहा था, एंड पता नहीं क्यों मेरे को जब मैं खड़ा था बाहर बात कर रहा था आप लोगों से तो एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी, एंड काफ़ी स्कैरी वो आवाज़ थी, तो वो चीज़ सुनने के बाद मेरे को थोड़ा अजीब लगा। लेकिन यही वो रोड है जहाँ कहते हैं कि वो हस्बैंड यानी वो आदमी अपनी वाइफ का कटा हुआ गला मतलब सर लेकर ऐसे सड़कों पर रात में नशे की हालत में घूम रहा था। तो देखना ये है कि जिसके बारे में बोला जाता है कि वो औरत आज भी नज़र आती है, बिना सर की औरत वो नज़र आती है कि नहीं। लेट्स सी, थोड़ा सा रिस्क है, बस सेफ्टी ये है कि मैं गाड़ी से हूँ और अगर कोई भी ऐसे लूटपाट करने वाले लोग अगर मिलते हैं तो मैं गाड़ी वहाँ से फटाफट निकाल लूँगा। एंड सामने की तरफ में ना अगर आप लोगों को दिख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ तो ये पेड़ है एक सामने की तरफ में, थोड़ा जूम करता हूँ, बहुत अजीब सा ये पेड़ दिख रहा है, मतलब इसको अभी नज़र पड़ी मेरी तो काफ़ी ऐसा अजीब सा लग रहा था, स्कैरी जैसा, थोड़ा देख के डर लगा इसको। तो चलते हैं रोड पर आगे की तरफ, एंड गाड़ी में काफ़ी स्लो चलाऊँगा और क्योंकि देखना है कि जिस चीज़ के बारे में बोला जाता है वो चीज़ यहाँ पर नज़र आती है नहीं आती है, कुछ भी चीज़ हम फील कर पाते हैं नहीं कर पाते। तो और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को कुछ भी ऐसा दिखे जो थोड़ा अननेचुरल हो तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके टाइमिंग के साथ ज़रूर बताना, क्योंकि मेरा ध्यान इस टाइम ड्राइविंग पर है और मैं फ़ोन के अंदर नहीं देख रहा हूँ, और फ़ोन के अंदर कई बार ऐसी चीज़ें कैप्चर हो जाती है जो हम अपनी नॉर्मल आँखों से नहीं देख पाते हैं। एंड सामने की तरफ में मेरे को लग रहा है कि शायद बाइक की लाइट वाइट जलती है, कोई बंदे वैन है सामने की तरफ में गाड़ी में। एक मिनट यार, ये क्या है पेड़ के ऊपर? कई जड़न नो आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट वहां पेड़ के ऊपर ऐसा लग रहा है कि कोई चीज बैठी हुई है। थोड़ा सा जूम करता हूँ उसको, गाइस वो देखो यार, पता नहीं क्या चीज है यार, वो ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ के ऊपर कोई चीज बैठी हुई है। एंड थोड़ा सा आगे करके देखना पड़ेगा, गाड़ी थोड़ी आगे ले चलता हूँ। यार फोन में तो वो चीज नहीं नजर आ रही है, लेकिन नहीं वो शायद ना पेड़ की और टहनी वगैरह टूटी पड़ी है तो उसकी वजह से वो वाइट चीज़ दिख रही नज़र आ रही है, तो अजीब सा ही लग रहा था देखने में। बाकी चलते हैं रोड पर आगे की तरफ में, गाड़ी में। अब ये क्या है यार भाई, इस टाइम पे ना सच बताऊँ आपको लग रहा होगा कि हर एक चीज़ को देख के गाड़ी रोक ले रहा है, डर लग रहा है पता नहीं, बट ना एक ये देखो जैसे यहाँ पर पत्थर पड़ा हुआ है ना, पत्थर ही है ये शायद, तो इसको देखकर भी ना बहुत अजीब सा लगा कि जैसे पता नहीं क्या चीज़ लेटा हुआ है यार रोड पर। सोचो इतनी दूर से ये चीज़ दिख रही है, एंड यार घबराहट है दिल के अंदर। आप खुद सोचो कि रात में तकरीबन 1 बजे के आसपास में आप ऐसे रोड पर खड़े हो जिसके बारे में भूतिया बातें बताई जाती हैं, और उस जगह पर आप अकेले घूम रहे हो, एंड टाइम की मैं बात करूं तो ये देख लो भाई 12:30 तकरीबन हो रहे हैं। ये देखो रात के 12:30 और एक ऐसे रोड पर घूमना जहाँ के बारे में भूतिया बातें बताई जाती हैं, एंड कहा जाता है कि ऐसे रोडों पर रात में कोई औरत घूमती है जिसका सर ही नहीं है, एंड इस तरफ में ऐसा लगा जैसे कोई रास्ता जा रहा है उसको बंद कर रखा है। इस सामने की तरफ में एक बाइक खड़ी है और शायद कोई गाड़ी जा रही है सामने की तरफ से, मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं,
हो सकता है गांव वाले हो, लेकिन इतनी रात में गांव वाले ऐसे क्यों ही जाएंगे वहां से? गाइस दोबारा बोल रहा हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को कुछ भी नज़र आए तो आप कमेंट ज़रूर करना मेरे को। गाइस तकरीबन मेरे को ना आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है ऐसे रोड पर चलते हुए, एंड गाड़ी मैंने एक जगह भी खड़ी कर दी है क्योंकि आधे घंटे से लगातार ड्राइव कर रहा हूँ एंड कुछ भी मेरे को अभी तक ऐसा फील नहीं हुआ है जिसको मैं बोलूँ कि हाँ ये पैरानॉर्मल है या कुछ अजीब है कुछ भी। एंड पीछे एक दो गाड़ी आपको चलती हुई नज़र आ रही होगी, तो ये मैं मेन रोड की तरफ मैं वापस आ चुका हूँ, तो यहाँ पर देखो एक दो गाड़ी आपको पीछे से जाती हुई नज़र आ रही होगी। देखो एक और बाइक शायद वो जा रही है, तो मैं ना वापस मेन रोड की तरफ मैं आ गया था इसलिए क्योंकि मैं लगातार आधे घंटे से ड्राइव कर रहा हूँ एंड एक बार भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि लाइक कोई पैरानॉर्मल आवाज़ आ रही है या मैं कुछ भी ऐसा अजीब सा फील कर रहा हूँ या कुछ भी अजीब सा ही है। हाँ, एक जब मैं इंट्रो ले रहा था वहाँ पर बहुत अजीब सा वियर्ड साउंड सुनाई दे रहा था एंड मेरे को नहीं पता कि वो आवाज़ कैसी थी, किस चीज़ की थी, लेकिन बहुत अजीब सी ये आवाज़ थी, वो काफ़ी स्कैरी आवाज़ थी जिसको सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि भाई पता नहीं क्या चीज़ है। तो तकरीबन मेरे को इस जगह पर आए हुए एक डेढ़ घंटा हो गया, आधा घंटा तो लग तकरीबन मैंने इस सड़क पर घूम घूम के ऐसे निकाला है। मुझे नहीं पता और कितनी देर यहाँ पर मेरे को यहाँ पर रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए, बट हाँ कोशिश कर रहा हूँ, देख रहा हूँ आप लोगों को दिखाने की कि कुछ भी ऐसा दिख जाए, फील हो जाए या नोटिस हो जाए, तो देखते हैं थोड़ी दूर और आगे चलते हैं। अगर कुछ भी दिखा या फील हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से वापस निकलेंगे क्योंकि पूरी रात ऐसे घूम कर ख़राब करना मेरे को नहीं लगता कि ये कहीं से भी एक सेंस बनता है। बाकी कोशिश तो हमारी यही रहती है कि हम किसी भी जगह पे जाते हैं तो उस जगह को अच्छे से दिखाने की या एक्सप्लोर करने की, बाकी देखते हैं किस्मत है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें खाली हाथ वहाँ से बाहर लौटना पड़ता है, हर बार हमें हर चीज़ें नहीं देखने को मिलती जिसके लिए हम वहाँ पर जाते हैं। तो देखते हैं, चलते हैं आगे, क्या दिखता है क्या नहीं दिखता, क्या फील होता है क्या नहीं होता है, लेट्स सी। तो भाई कैमरा पता नहीं क्यों ब्लर कर रहा है एंड दोबारा कैमरा मैंने आगे की तरफ में चालू करके और रोड पर चलना स्टार्ट किया है एंड कोशिश मेरी यही है कि इस जगह पर घूमकर आप लोगों को दिखाने की, जिसके बारे में बताया जाता है या बोला जाता है कि कोई औरत बिना सर के यहाँ पर नज़र आती है जिसके पति ने ही उसका सर काट दिया था बिकॉज ऑफ कि वो अपने हस्बैंड को चीट कर रही थी, तो उसके हस्बैंड ने ही उसका गला काट कर उसको मार डाला था। वही चल रहे हैं, देखते हैं। यार एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यानी भाई आप लोगों को ये आवाज़, ये देखो ये देखो देखो ये आवाज़ पता नहीं सुनाई दे रही है नहीं दे रही, लेकिन अभी ऐसा लगा जैसे किसी औरत की आवाज़ आ रही थी चीखने की या शायद रोने की, ऐसी कुछ आवाज़ थी। कौन है यहाँ पर? इस तरफ में तो अंधेरा है, इधर तो अंधेरा है, वो आवाज़ बंद हो गई, लेकिन एक अजीब सी आवाज़ थी, शायद किसी औरत की चीखने की थी या
आगे चलते हैं यार। यार अभी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ एंड यहाँ पर देखो ऐसे जैसे यहाँ पर ये सीमेंट वगैरह या रोडी बदरपुर ऐसी कुछ चीज़ पड़ी है एंड उसके जस्ट पीछे वहाँ पर पता नहीं क्या है वो। एंड यार वो देखो पीछे मैंने रेड सर्कल किया हुआ है, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो तो ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ पेड़ से लटकी हुई है, कोई चीज़ पेड़ से लटकी हुई है। एक बार मैं थोड़ा गाड़ी आगे लेके चलता हूँ तो पता चलेगा वो क्या चीज़ है। बाकी ये तो शायद कोई कट्टा वगैरह से कोई चीज़ पड़ी हुई है। ये क्या है यार, अरे यार ये क्या चीज है, ये पता नहीं क्या चीज है यार। शिट यार कसम से बता रहा हूं डर लग रहा है, हिम्मत जवाब नहीं दे रही आगे जाने की। दिल कर रहा है कि यहीं से गाड़ी वापस मोड़ लूं एंड यहां से फटाफट निकल जाऊं। पता नहीं क्या चीज़ है यार, ये अजीब सी ही एक वाइट सी चीज़ दिख रही है, दोनों तरफ पूरी झाड़ियाँ वगैरह है, उस तरफ में लाइट वगैरह जल रही है, पता नहीं किस चीज़ की है वो। और इधर मैं दिखाऊँ तो अलग ही झाड़ी है इस तरफ में एंड इस तरफ में भी झाड़ी है एंड वो पता नहीं क्या चीज़ है वहाँ पर, एक अलग ही वाइट कलर की चीज़ है वो, या शेडो जैसी कोई चीज़ है, पता नहीं कोई बंदा है क्या है क्या चीज़ है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कसम से दोस्तों हिम्मत जवाब नहीं दे रही आगे। यार ये क्या हुआ है, ऐसा लगा जैसे मूवमेंट हुई है उसमें। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। हे मेरे बजरंगबली रक्षा करना, ये क्या चीज है यार। अरे यार ये कोई कट्टा वगैरह से ऐसा लटका हुआ है, कसम से बता रहा हूँ मेरी दिल की धड़कने। ये कौन है यार, ये कौन है यार, कोई बंदा आ गया सामने की तरफ में एंड पता नहीं कौन है यार ये, कहीं छीना झपटी करने वाला ना हो। मेरे को एक बार ना फ़ोन नीचे करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये फ़ोन देख के छीना झपटी करने पे आ जाए। एंड ये बहुत अजीब सा ही बंदा लग रहा है यार, ये बहुत अजीब तरीके से चल रहा है इसे। ये देखो यार मेरे को फ़ोन थोड़ा सा छुपाना पड़ेगा गाइस एंड मैं थोड़ा गाड़ी साइड में करके निकालता हूँ आगे की तरफ में। गाइस वो देखो वो बंदा ना पीछे जा रहा है एंड वो देखो वापस पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है वो। गाइस वो बंदा ना वापस इस तरफ में आ रहा है, वापस इस तरफ। मैं फोन छुपा रहा हूँ थोड़ा। क्या हो गया भैया? मैं तो ऐसे ही आया था, आप कौन हो भैया? ये जगह ठीक नहीं है। ठीक है मैं जा रहा हूँ। ठीक नहीं है गाइस, मैंने फोन छुपा रखा था एंड मैंने थोड़ा शीशा ऑन कर दिया था ताकि उसकी बातें आप लोगों को भी सुनाई दे। एंड बहुत अजीब सा ही बंदा वो, लाइक बोल रहा है कि यहाँ से चले जाओ, ये जगह ठीक नहीं है, क्या कर रहे हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर मेरे को कुछ अलग ही सीन लग रहा है यार दोस्तों। देखो यहाँ पर एक बाइक भी खड़ी है यार, यहाँ से मेरे को थोड़ा ना, ये तो बाइक खड़ी है यहाँ पे, आगे निकलना पड़ेगा यार। ये थोड़ा अजीब लग रहा है मेरे को, अभी यहाँ पर मामला कुछ और ही चल रहा है गाइस। यहाँ भूत भूत का जो लग रहा है मेरे को अलग ही, यहाँ पे लोगों ने अफवाह फैला रखी है
यहाँ पे कुछ और ही चीज चल रहा है, लाइक छीना झपटी वाला सीन हो सकता है, चोर लुटेरे वाला हो सकता है, कि लोगों ने इसलिए बोला हो ताकि गांव के जो लोग हैं रात में ऐसे रोड पर ना आए, उनके साथ कोई हादसा ना हो। और जो बंदा सामने आया वो बहुत अजीब ही, बहुत मतलब वेर्ड तरीके से बात भी कर रहा था, एंड दिख भी वो अजीब से ही रहा था गाइस। एंड अब मेरे को सच में लग रहा है कि मेरे को यहाँ से निकल जाना चाहिए, कि कहीं मेरे साथ कोई हादसा ना हो जाए यार, क्योंकि मैं अकेला हूँ, और अगर मेरे साथ एक बंदा कोई और रहता है, चाहे ओम भी रहता है, चाहे कोई और भी रहता ना, तो मेरे को इतना रिस्क नहीं होता, मैं एक बार के लिए थोड़ा सा रिस्क उठाने को तैयार होता। लेकिन अब लग रहा है कि मेरे को यहाँ से निकल जाना चाहिए, एंड थोड़ी गाड़ी में स्पीड में निकालता हूँ यार। अगर कोई बंदा सामने भी आया ना, तो इस टाइम मैं गाड़ी रोकूंगा नहीं यार। गाइस देखो यहाँ पर कैसे ना इन्होंने क्या करा है, पेड़ की झाड़ी वाड़ी साइड में ऐसे गिरा रखी है, ताकि कोई गाड़ी वगैरह भी आए ना बहुत स्लो निकले। एंड यार मुझे फटाफट निकलना चाहिए यार यहाँ से। यार वो देखो ऐसा लग रहा है वहां पेड़ के पीछे बंदे छुपे पड़े हैं, बंदे हैं यार यहाँ पर, बंदे हैं गाइस। शिट यार मैं निकलता हूँ यहाँ से भाई, गाड़ी के पीछे भाग के वो गाड़ी के पीछे हाथ मार रहे हैं यार। मैं यहाँ से फटाफट निकलता हूँ, फिर आप लोगों से बात करता हूँ यार, पहले मैं यहाँ से निकलता हूँ। गाइस सामने की तरफ में लाइट जल रही है, वो एक हाईवे की लाइट है, और मैं लगभग यहाँ से निकल ही गया हूँ। एंड सच बताऊँ अब मैं यहाँ पे वापस नहीं मोड़ूंगा गाड़ी, क्योंकि मेरे को पता चल गया यहाँ पर भूत वूत का कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पर कुछ अलग ही माहौल चल रहा है, छीना झपटी करने वाला एंड ये सब। अगर मैं बाइक से होता ना, तो 101% मेरे साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता है यहाँ पर, और सेफ्टी है कि मैं गाड़ी से हूँ। भाई यहाँ से बाहर निकलता हूँ। गाइस मैंने वहाँ से फटाफट गाड़ी निकाल भगा के ना वहाँ से फटाफट निकल के आ गया हूँ, क्योंकि मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि वहाँ पर जो है ना ये भूत वूत का जो है ना सिर्फ एक अफवाह फैलाई गई है। ये जो कहानी चल रही है इस तरीके की लोगों ने बताई है, ये सिर्फ मेरे को लग रहा है कि इस तरीके से फैलाई गई थी कि ताकि कोई अनजान लोग उस सड़क पर ना जाए, क्योंकि वहाँ पर चल रहा है छीना झपटी वाला काम, वहाँ पे लुटेरे घूम रहे हैं। एंड मेरे को अब ये भी लग रहा है कि जो वहाँ पर किसी लेडीज़ की या किसी औरत की जो मेरे को आवाज़ सुनाई दी थी ना, वो शायद उन्हीं के गैंग की हो, कि कोई अगर जैसे चीखने की आवाज़ सुने तो डर के वहाँ से निकल जाए, या फिर अगर कोई हो तो अगर किसी को लगे कि ऐसा किसी को मदद की ज़रूरत है तो वहाँ पर रुके एंड मदद करने के लिए रुके, एंड उसके साथ में वहाँ पर वो लोग लूटपाट कर ले, छीना झपटी कर ले, ये वाला सिस्टम वहाँ पे चल रहा है। तो गाइस ऐसा होता है बहुत सारी जगह पर, ऐसा होता है कि हमें ऐसी ऐसी कहानी बताई जाती है कि भाई यहाँ पर ये चल रहा है, वहाँ पर ये चल रहा है, लेकिन जाने के बाद पता चलता है कि भाई वहाँ पर अलग ही माहौल है, वहाँ पर सिर्फ ये चैन स्नेचर छीना झपटी करने वाले चोर लुटेरे ऐसे लोग हैं। तो ऐसे रिस्क भी हम लोगों को उठाने पड़ते हैं, और ऐसी जगह पर जाने से, अकेले जाने से मैं सच में बहुत कतराता हूँ, और बहुत ज़्यादा ही मैं इन चीज़ों से सतर्क रहता हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो जो हादसे हुए हैं वो आप लोगों को अच्छे से पता है, कि एक बार मेरी गाड़ी चोरी हो गई, एक बार मेरा फ़ोन छीन लिया गया, एंड इसलिए मैं ऐसी जगह पे जाने से डरता हूँ यार। और इसलिए मैंने गाड़ी भी वहाँ से फटाफट निकाल ली, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना सेफ भी नहीं है, क्योंकि अगर मान लो 4-5 लोग आ भी जाए एंड सामने ही आ जाए, शीशा वीशा तोड़ दें या दरवाज़ा खोल के मेरे साथ हाथापाई करने लगे, तो मैं अकेला हूँ, उनके साथ मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई एक बंदा साथ भी हो ना, तो मैं हिम्मत करके या हम दो लोग मिलकर भी उसके साथ उनका जवाब दे सकते हैं या लड़ भी सकते हैं, तो ये चीज़ एक अलग है। लेकिन अकेले होने के बाद कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने वहाँ से निकलना ठीक समझा। एंड वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, एंड चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। एंड भाई आप लोग देख लो कि कैसे कैसे रिस्क हमें उठाने पड़ते हैं एक भूतिया वीडियो शूट करने के लिए। तो भाई मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जगह पर, कोई हॉन्टेड सी वीडियो लेकर। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, एंड अपना ख्याल रखना।